मैक्सिमम, मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिया था, दो वेव्स लिए थे, ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मैंने ड्रॉ करते समय मिस्टेक किया है, आप दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कंसिडर करो, फिर यहाँ पे भी कैसा ही वेव जाएगा। ओके सो इसी पार्ट में, as you can see, अगर ये और ये एक दूसरे को मिल जाए तो देर विल बी अ वैक्सिंग, और ये एक दूसरे को मिल जाए तो देर विल बी अ वेनिंग, मतलब अगर स्लाइटली, इफ देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज, दिस विल हैपन दैट कि एक ही पार्ट में देर विल बी अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड देर विल बी अ जीरो एम्पलीट्यूड। सो व्हेनेवर यू गेट अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इफ यू कंसीडर दिस एम्पलीट्यूड इज ए एंड दिस एम्पलीट्यूड इज ए, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2a, मींस वैक्सिंग विल हैपन व्हेन द एम्पलीट्यूड विल बिकम 2a. So we know that the amplitude is given by 2a cos of 2 pi, sorry, correct, 2a cos of 2 pi n1 minus n2 by 2 into t. So this will be equals to what, plus minus 2a, correct? This 2a got cancelled and you got cos of 2 pi n1 minus n2 by 2 into t is equals to 1. प्लस माइनस वन, क्योंकि वैक्सिंग ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, इट कैन हैपन ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर इन पोजीशन। ओके सो दिस पार्ट, ये जो थीटा वाला पार्ट है, ये दिस टोटल पार्ट, ये क्या होगा व्हेन यू विल गेट प्लस माइनस वन, सो टू पाई एन वन माइनस एन टू बाई टू इंटू टी। वैक्सिंग होना मीन्स हाई एम्पलीट्यूड होना, एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी हाई होना हो, दैट्स ऑल। सो दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, तभी तो यहाँ पे प्लस माइनस टू लिया है कि जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, टू वेव्स विद हाई एम्पलीट्यूड नहीं, जो रिजल्टेंट वेव बना है दैट विल हैव अ हाई एम्पलीट्यूड, दो वेव्स एक एम्पलीट्यूड के मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो 2a बनेगा। तो वो जो कंडीशन होगी जहां पे आपको साउंड बहुत तेज सुनाई देगा, जहां पर एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम वैक्सिंग बोलते हैं। क्या नहीं समझ रहा इस डायग्राम में? ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, मतलब ये 1 हर्ट्ज में एक सेकंड में सिर्फ एक ही वेव बना पा रहा है कि वाइब्रेशन कर पा रहा है, ये 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन कर पा रहा है। इसकी वजह से जब मैंने इन दोनों को मिलाया, सुपर इम्पोज करवाया, तो इसके एक इतने बड़े पार्ट में ये दोनों आ गए। जब ये दोनों पार्ट मिला तो मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला, जब यही दो इसी में जब ये वाला पार्ट मिला तो मुझे 0 एम्पलीट्यूड मिला। तो जब ये वाला पार्ट मिल रहा है मुझे बहुत तेज साउंड सुनाई दे रहा है, और जब ये वाला पार्ट इसी जगह में मिल रहा है तो मुझे एकदम कम साउंड सुनाई दे रहा है। सो दिस कंडीशन, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है दैट इज माई वैक्सिंग, और जहां पे मुझे मिनिमम साउंड सुनाई दे रहा है इस कंडीशन की वजह से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, आई एम गेटिंग वेनिंग, दैट्स ऑल। समझा? मैम दो वेव्स सुपर इम्पोज करा रहे हैं, ठीक है? हाँ सो एक पहला वो 2a वाला वेव है एंड डाउन a वाला वेव है, दोनों a वाले ही वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड a ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, सिर्फ ऊपर हाँ, वाला पर सेकंड 2 वाइब्रेशंस लाइक एंड नीचे वाला 1। नो, ऊपर वाला पर सेकंड 1 वाइब्रेशन, ओनली 1 वाइब्रेशन इज हैपनिंग, यहाँ पे नीचे वाला इज 2 हर्ट्ज। ए बाबा ये देखो, जितने में 1 लैम्डा कवर हो रहा है ऊपर वाले का, उतने में यहाँ पे 2 लैम्डा कवर हो गए हैं। हाँ हाँ, तो ऊपर वाला 1 सेकंड में एक ही वाइब्रेशन कर पा रहा है, नीचे वाला 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन कर पा रहा है, इसलिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। इतना समझा अभी, इसके आगे मैम? इसके आगे कुछ नहीं, जब मैंने इन दोनों को स्टिक किया तो ये जो पार्ट है इसके सिर्फ इतने ही पार्ट में इसका पूरा एक वेव आ गया, जब हाई और हाई वाले मिले तो 2a का वेव बन गया, बट ये जो लो और हाई वाले मिलेंगे, इसी में जब लो और हाई वाले मिलेंगे तो देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक वेव का पार्ट ऊपर खींच रहा है, दूसरे वाले वेव का पार्ट नीचे खींच रहा है, तो देयर विल बी अ मीन पोजीशन, सो यू विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, एकदम हाई और इसी में एक पार्ट एकदम लो, तो ये जो हाई वाला पार्ट है दैट इज वैक्सिंग, ए प्लस ए 2a,
और इसी में ये जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज जीरो एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये पार्ट, ये वाला वेव का पार्ट ऊपर था, ये वाला वेव का पार्ट नीचे था, तो मीन कहाँ आ जाएगा? मिडल में। समझा? हाँ भी, मतलब ये जो पहला हाफ आप जो कंसीडर करोगे उधर हाई रहेगा एकदम, ये जो हाई हाई मैं कंसीडर करूंगी दैट विल गिव मी हाई, और इसी हाँ, में जब मैं हाई और लो, इसका लो पार्ट आ गया ना, ये बीट बनता कब है? व्हेन यू हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होने की वजह से तो हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं होता तो ये पूरा, ये भी वन हर्ट्ज, ये भी वन हर्ट्ज, तो ये भी ऐसे ही बनाता, तो हाई को हाई मिलता, लो को लो मिलता, टेंशन ही नहीं होता। When compare हम लोग नीचे का A और मतलब नीचे का low और ऊपर का high consider कर रहे तब वो destructive interference आ रहा है ना? Exactly. ये वाला part जब यहाँ पर जाकर superimpose होगा तो ये part उसको ऊपर खींच रहा है, ये वाला part उसको नीचे खींच रहा है, तो ये mean पे आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ऊपर की धकेल रहा है, तो you will get A plus A2 है, यहाँ पे A minus A हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, तो here in this part you will get zero amplitude. This part is your waxing, this part is your waning. हाँ वही, पहला waxing फिर waning. समझा? That's all. यही चीज आगे भी होगी, अगर यहाँ पे भी देखो ये नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब इस पे जाके स्टिक होने वाला है, ये पार्ट ऊपर धकेल रहा है, ये पार्ट, ये वाला जो वेव है ये नीचे जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे यू विल गेट अ वेनिंग। वैक्सिंग कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, अब नया वैक्सिंग यहाँ मिलने वाला है इस पॉइंट पे, जहां पे दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं। सो वैक्सिंग के कंडीशन के लिए ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, दिस शुड बी प्लस माइनस 2a, एंड देन यू गो ऑन, देन यू गेट द टाइम एज, एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहला वैक्सिंग मिलता है, एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 माइनस n1 माइनस n2, मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, दो वैक्सिंग्स के बीच का टाइम, सो इट इज 1 अपॉन n1 माइनस n2, हमने ये प्रूव भी किया था विद द अबव एग्जांपल कि सच है कि अगर यहाँ पर n1 माइनस n2, n1 किसको लोगे? हाई वाले को हमेशा n1 लोगे और लो वाले को हमेशा n2 लोगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, सो 2 माइनस 1 इज 1, मतलब एक दो वैक्सिंग्स के बीच में एक सेकंड का टाइम है अकॉर्डिंग टू दिस वेव, ये एग्जांपल के हिसाब से, एंड हमने ये प्रूव भी किया था, पहला t इज इक्वल टू 0 पे मेरे को वैक्सिंग मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे तो वो पूरा शांत रहने वाला है, यहाँ पे भी पूरा शांत रहने वाला है, जब पूरा एक सेकंड खत्म हो जाएगा फिर वापस दूसरा वैक्सिंग मिलेगा, मतलब दो वैक्सिंग के बीच में, दो हाई एम्पलीट्यूड के बीच में पूरा एक सेकंड का डिफरेंस है, एक सेकंड कवर होने के बाद वापस दूसरा वैक्सिंग आएगा, सो दैट इज ट्रू। हाँ, फॉर दिस एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने ये फ्रीक्वेंसी ली है इसलिए ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा आंसर आया है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टाइम पीरियड विल बी डिफरेंट, so उसे से beat, this is your time period, then beat frequency, time period का inverse, frequency का मतलब तो time period का inverse होता है, it means number of beats in per second, beat frequency is number of beats in per second. अब अगर तुम यहाँ से देखो n1 minus n2 मतलब 2 minus 1, 1, आपको एक ही beat सुनाई देनी चाहिए एक second में, correct है, यहाँ पे एक high सुनाई दिया फिर पूरा low, सीधा एक सेकंड के बाद दूसरी बीट सुनाई देगी, मतलब एक सेकंड में आप सिर्फ कितनी बीट सुन पाए, एक ही बीट सुन पाए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वहीं पे अगर एग्जांपल 100, एक 100 हर्ट्ज का वेव होता है, एक 104 हर्ट्ज का वेव होता, एक 100 हर्ट्ज का वेव होता, एक 104 हर्ट्ज का वेव होता, तो आपको जो बीट सुनाई देती वो कितने की सुनाई देती, कितना बीट सुनाई देता, प्लीज आंसर, कितना सुनाई देता? 4 बीट्स पर सेकंड, 4 बीट्स पर सेकंड, और एक दो वैक्सिंग के बीच में कितना टाइम होता? 1/4, मतलब 1/4 0.25, करेक्ट है, 0.25, मतलब आपको 0.25 के बाद आपको दूसरा वैक्सिंग सुनाई देता, समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इज द कंडीशन एंड इट गेट फॉलोड। वैसे वेनिंग के लिए आप यहाँ पे क्या ले लेते हो? वैक्सिंग के लिए आपने एम्पलीट्यूड के सामने प्लस माइनस 2 लिया, वेनिंग में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? 0, 0, यू सब्स्टिट्यूट हियर 0, फिर आप फाइंड आउट करोगे कि कौन से थीटा के लिए यू ऑलवेज गेट 0, सो द आंसर विल बी 5/2, 3π/2, एंड देन यू गो ऑन सॉल्विंग, देन यू गेट द वेनिंग टाइम, कि पहला वेनिंग आपको कहाँ मिलता है, दूसरा वेनिंग कहाँ मिलता है, तीसरा वेनिंग कब मिलता है, सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन यू विल गेट दिस पॉइंट, अगेन यू विल गेट दिस, it shows that the number of vaccine is equal to number of
वेनिंग, नंबर ऑफ वैक्सिंग जो होता है वो नंबर ऑफ वेनिंग के बराबर होता है, जितना वैक्सिंग होगा उतना वेनिंग होगा. क्लियर? सो दिस वाज एन एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन फॉर योर वैक्सिंग एंड वेनिंग. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, इट कैन, ले सकता है. पर मिनट नहीं, पर सेकेंड. यू ऑलवेज मेजर फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड्स. You always measure frequency in seconds. Minute में आप convert कर सकते हो. If you want, you can convert it into minutes. But normally frequency is always that is standard point frequency. Yes. Minute के range तक जाएगा? जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? आप second में, आप किसमें भी, आप एक घंटे में भी देख सकते हो कि एक second में चार beat है तो एक घंटे में कितना beat होगा. You can simply calculate. एग्जैक्टली. हाँ, तो आप जो बीट्स है उनके टाइम पीरियड को आप रिड्यूस कर देते हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस साउंड फॉर यू. ओके, फाइन. सो लेट्स गो अहेड विद द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बीट्स. एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है. सबसे पहला एप्लीकेशन म्यूजिशियंस करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है कि म्यूजिशियंस क्या करते हैं, या एकॉस्टिक. फॉर एग्जांपल, कोई तबला बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले अपनी फ्रीक्वेंसीज को सेट करते हैं. दे सेट देयर फ्रीक्वेंसीज सच दैट कि सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट हो रहे हैं उनसे जो भी वेव निकलता है उनका बीट इक्वल्स टू जीरो हो जाए. वो सबको यूनिसन करते हैं. यूनिसन करना मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज को सेम करते हैं, सो दैट जो बीट प्रोड्यूस हो वो जीरो हो जाए, तो उनका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली एक दूसरे को मैच होके एक प्लेजेंट साउंड क्रिएट करता है. ओके, हाँ, हाई म्यूजिक्स में, लाइक आपका जो अभी डीजे म्यूजिक आता है या डांसिंग का जो बीट्स वाला म्यूजिक आता है, उसमें पर्पसली एक या दो बीट डाली जाती है, उसमें भी ज्यादा चार बीट से ऊपर नहीं डाला जाता. बट नॉर्मली जो आपके इंस्ट्रूमेंट से बजाए हुए गाने होते हैं या जो स्लो सॉन्ग्स होते हैं उसमें वो पहला उनका काम होता है कि दे शुड रिड्यूस द बीट टू जीरो. उनका पहले वो पहले वेट करते हैं सबके बजाने का कि कब जाकर उनकी सबकी बीट जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो जीरो हो जाए, तब जाकर वो जो मेन गाने का जो वॉट पीस है बेस है उसके ऊपर वो बजाना चालू करते हैं. सो फर्स्ट वर्क ऑफ द म्यूजिशियन इज टू रिड्यूस द बीट टू जीरो. दूसरा काम ये होता है, इट इज यूज्ड इन रेडार. रेडार में भी बीट्स का फिनोमिना यूज किया जाता है. यू नो अबाउट द डॉपलर इफेक्ट, करेक्ट? मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है. डॉपलर इफेक्ट इज समथिंग जो आप फ्रीक्वेंसी, अगर आप कहीं ट्रेन वगैरह के पास खड़े हो, इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर और ट्रेन आपके पास आ रही है, अगर ट्रेन आपके पास आ रही है तो आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है. ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन डॉपलर इफेक्ट, कि अगर सोर्स या साउंड दोनों में से कोई भी चीज मूव होती है तो आपको एक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है. दैट इज व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट. एक अपेरेंट रियल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देती आपको, इंक्रीज या डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है? सो इस बीट का यूज कहाँ पे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई एक फाइटर प्लेन है, ओके, कोई फाइटर प्लेन या कोई भी प्लेन आपके बॉर्डर से क्रॉस हो रहा है, तो कंटिन्यूसली उस प्लेन के ऊपर या उस फाइटर प्लेन के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और उस पर्टिकुलर फाइटर प्लेन पे आपकी बीट्स भेजी जाती है. आपका एक पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से एक वेव भेजा जाता है, सॉरी बीट नहीं, एक वेव भेजा जाता है, और वो वेव क्या होता है, उसी से उससे टकरा कर रिटर्न बैक आता है. ओके, अब ऐसा होता है कि अगर दोनों, ये जो दोनों वेव्स आए हैं, ये जो दोनों वेव्स रिटर्न, ये जो वेव गई है और ये जो वेव रिटर्न आया है, अगर इन दोनों वेव्स के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रहा है, इट मींस दैट फाइटर प्लेन इज मूविंग, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके, नाउ अगर इसका N1, इसने N1 लिया, इसका N2 हुआ, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस आया N2 माइनस N1, I am repeating, wait. Now this is a fighter plane. Let us consider
कि अगर ये फाइटर प्लेन, हम क्या करते हैं अपने स्टेशन से इस प्लेन के ऊपर, अपने स्टेशन से इस प्लेन के ऊपर एक वेव भेजते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन. अब इस पर्टिकुलर प्लेन से क्या होता है, रिटर्न बैक फ्रीक्वेंसी आती है. ओके okay? अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आ रहा है, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लेन इज कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. जो मुझे रिटर्न बैक मिल रही है और जो ये जा रही है, इन दोनों के बीच में देयर विल बी अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी. इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से कि प्लेन दूर जा रहा है या टुवर्ड्स जा रहा है. ये जो फाइटर प्लेन है ये दूर जा रहा है या टुवर्ड्स जा रहा है. अब ये कैसे होगा, लेट अस कंसीडर कि अगर ये प्लेन दूर जा रहा है, आपको पता है प्लेन दूर जा रहा है मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, करेक्ट. तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कम होती दिखाई दे रही है, इट मींस इट इज मूविंग अहेड. अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ती दिखा रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्लेन इज मूविंग टुवर्ड्स मी. सो ये जो दो डिफरेंस को देखकर रेडार का ये जो प्लेन्स है इनका स्पीड, इनका डायरेक्शन, ये सारी चीजों को पता किया जाता है. एंड ये चीज कंटिन्यूसली की जाती है, बिकॉज अगर कोई भी अगर आउटर प्लेन्स हमारे कंट्री के बॉर्डर्स के थ्रू या कहीं से भी पास आउट होते हैं, तो इनका कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन किया जाता है. ना ही फाइटर प्लेन का, इवन जो आपके एरोप्लेन्स चलते हैं उनका भी ये चीज कंटिन्यूस किया जाता है. हर स्टेशन कंटिन्यूसली उनके उनसे एमिटेड वेव्स को कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता रहता है. दे कंटिन्यूसली डिटेक्टेड. बोलो मैम. ये बोल रहा हूँ कि रेडार का एक स्पेसिफिक एरिया लिमिट होता रहेगा ना. हाँ. वो एरिया में मतलब उतना रेडियली पूरा रेडार वेव्स जाते रहेंगे और जहाँ भी प्लेन रहेगा वैसा डिटेक्ट करेंगे ना. हाँ, वो लोग हाई पेनिट्रेटिंग है, दे यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स. तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए उनका ज्यादा वेस्ट नहीं होता, तो उनका रेंज काफी बड़ा होता है. इसीलिए जब आप एरोप्लेन वगैरह में टेक ऑफ करते हो या जब आप नीचे उतरने वाले होते हो, दोनों टाइम में मोस्टली आपको बोला जाता है कि यू शुड कीप योर फोन्स ऑन व्हाट वी कैन से ऑन एरोप्लेन मोड, कि सो दैट वो जो भी सिग्नल्स वो रिसीव कर रहे हैं, अगर आगे जो भी आगे प्रॉब्लम हो रही होती है वो सारी इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू उनको बताई जाती है कि आगे क्लाउड साफ है या नहीं, या आपको कौन से डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर तो आपको कुछ डायरेक्शन पता नहीं होते, आपको कौन से डायरेक्शन में लेफ्ट लेना है, कौन से डायरेक्शन में राइट लेना है, वो सारी चीजों के लिए. तो इसीलिए आपका एरोप्लेन मोड में इसलिए रखवा दिया जाता है कि कोई और वेव आके उनके वेव से इंटरफेयर ना करे. अगर कोई और वेव आके उनके वेव से इंटरफेयर करेगा तो उनको सिग्नल डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी. आगे क्या सिचुएशन है वो सारी वेव्स के थ्रू ही उनको बताई जाती है. सो दैट इज द रीजन की ओवरऑल रेडार का यूज किया जाता है फॉर योर एरोप्लेन का ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो दिस इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आर सामने कर सकते हैं कि सामने कुछ है लाइक क्लाउड्स ऐसा कुछ. हाँ, तो अगर सब कुछ सुझा आ जाएगा तो ओम तेर में और पायलट में क्या डिफरेंस है. अच्छा. उनको वो सारी नॉलेज दी जाती है कि दिस सिग्नल्स आर देयर, अगर ऐसा सिग्नल है तो मींस देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर ऐसा सिग्नल नहीं है तो देयर इज अ क्लीन, यू शुड गो अहेड. वो सारी चीजें उनको बताई जाती है, वो नॉलेज उनको दिया जाता है. पायलट ट्रेनिंग इज अ ग्रेट ट्रेनिंग. ऐसा नॉर्मली आपको पायलट का लाइसेंस नहीं मिल जाता है. सो देयर इज अ बिग, आपको वेव्स के बारे में, आपको एयर के बारे में सब कुछ पता करना होता है, प्रेशर्स के बारे में बराबर पता करना होता है. Hello ma'am. Please unmute yourself and ask. I don't know whatever you asking in chat ma'am, box. Ma'am, hello. I cannot read. हाँ. Ma'am, chat box में मैंने बोलो, I'm listening. ये वो Doppler effect का paste किया है. वो ma'am last का point मेरे को नहीं समझा कि as well as the red shift seen by astronomers. हाँ, मैंने भी ये देखा था एक बार. ये क्या है actually? रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बड़ा होता है. ओके, तो जब आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपका जो जब आपका पॉइंटर, देयर इज अ पॉइंटर, ओके, कलर्स के पॉइंटर होते हैं जब आपको, प्लीज हियर एवरीवन. हाँ, इसी के हेल्प से प्रूव हुआ है. जब आपका पॉइंटर रेड की तरफ जाता है, रेड मींस हाई वेवलेंथ,
तो जब आपका पॉइंटर रेड की तरफ जाता है इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, मींस दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे. जब आपका पॉइंटर ब्लू की तरफ जाता है इट मींस कि वो जो वेवलेंथ है वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मींस ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू यू. सो ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, वेवलेंथ हाई होता जा रहा है या ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू यू. दिस इज ऑल अबाउट रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट इन डॉपलर इफेक्ट. इट कैन बी सीन बाय एस्ट्रोनॉमर्स, इट कैन बी यूज बाय योर आपके रेडार के जो लोग हैं वो भी ये चीज यूज करते हैं. तो डॉपलर इफेक्ट में दिस इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. मैम सीन बाय एस्ट्रोनॉमर्स मतलब बोलो क्या ऑब्जर्व करते हैं? रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. रेड शिफ्ट मींस हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है. ब्लू शिफ्ट मींस लो वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होता जा रहा है. वेवलेंथ कम होता जा रहा है मतलब चीज आपकी तरफ आ रही है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है मतलब चीज आपसे दूर जा रही है. इसका काम, इसका यूज एस्ट्रोनॉमर्स, अगर कोई एस्ट्रॉइड वगैरह है अगर वो अर्थ पे आ रहा है तो उसका वो अर्थ पे आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है उस चीज के लिए करते हैं. यूनिवर्स का एक्सपांडिंग को समझने के लिए करते हैं. मेनी मोर थिंग्स आर देयर. सो ओके फाइन, वी विल स्टॉप हियर. इसका टॉपिक और ज्यादा मत आगे लेके चलो. सिर्फ इतना समझो व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट. डॉपलर का मतलब होता है अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होंगे. वेवलेंथ बढ़ रहा है, रेड कलर है वह हाई वेवलेंथ तो रेड की तरफ जाएगा. ब्लू कलर है वह लो वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम हो रहा है चीज अपने पास आ रही है तो इट विल शिफ्ट टू अ ब्लू वेवलेंथ. इन्हीं का यूज करके पता किया जाता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे और ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू यू. दिस इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. ओके नाउ मैंने दो आपको बीट्स के इंफॉर्मेशन दे दिए. पहला, म्यूजिशियंस बीट जीरो करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ अच्छे से बजाने के लिए. दूसरे, इसका यूज रेडार में किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, मींस डॉपलर इफेक्ट के लिए इसका यूज किया जाता है. और तीसरा, अगर समझो कोई एक अननोन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कोई एक अननोन फ्रीक्वेंसी है, हालांकि इसका इसमें मेन यूज रेजोनेंस का हो रहा है. और अभी भी आपने पीछे भी देखा कि जब हमने ऑर्गन पाइप लिया, जब हमने ओपन एट बोथ द एंड्स वाली पाइप लिया, हर जगह हम रेजोनेंस ही करवा रहे थे. दैट फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन वाज योर रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब होता है जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो. सो यहां पर भी आपका क्या किया जाता है, अगर समझो आपकी 218 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, आपको कोई एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसका 218 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो, क्या किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को बनाते वक्त कंटिन्यूसली इसके सामने वाइब्रेट करवाया जाता है. एक बार वाइब्रेट करवाया, चलो समझो कोई एक वॉइस आ रही है 1 हर्ट्ज की, मतलब समझ में आ जाएगा कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बीच में अगर 1 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है, मतलब अगर ये 218 है तो ये कितना हो जाएगा, या तो ये 217 होगा या तो 219 होगा, ये दोनों में से कोई एक हर्ट्ज होगा इसके लिए. तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर मुझे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, अगर मुझे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए मतलब इनके बीच का बीट कितना आना चाहिए, बीट शुड बी 0. तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अमाउंट वगैरह डाल के वाइब्रेशन क्रिएट करके कि एक टाइम के बाद इन दोनों के बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी आए वो क्या है, 0. जैसे ही बीट फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी इसका जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही फ्रीक्वेंसी इसका भी हो जाएगा. तो अननोन फ्रीक्वेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए आपके बीट का यूज किया जाता है. अगर एक इंस्ट्रूमेंट है आपको पता नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है तो आप क्या करोगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को लेके उसके सामने वाइब्रेट करोगे. अगर एक ट्यूनिंग फॉक है आपको पता नहीं है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है तो अलग अलग साइज के ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक्स को लेके इसके सामने वाइब्रेट करोगे. ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा, दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे. जैसे ही ये जो अननोन ट्यूनिंग फॉक है इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाएगी, मुझे N1 माइनस N2 क्या आ जाएगा, 0. इसके अलावा मैं अननोन इंस्ट्रूमेंट का व्हाट वी कैन से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकती हूँ. सो देयर आर 3 एप्लीकेशंस. फर्स्ट, म्यूजिशियंस अपना साउंड क्रिएट करने के लिए करते हैं, दूसरा रेडार, और तीसरा ऐसा कोई अननोन इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए भी बीट्स का यूज किया जाता है. आर यू क्लियर विद एप्लीकेशंस ऑफ बीट? किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. That is characteristics of sound.
होप यू विल कंप्लीट दिस एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट आई कैन रिवाइज ऑल द थिंग्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये आपने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इज लाउडनेस, पिच, टिम्बर, इसके बारे में हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, करेक्ट. सो फर्स्ट वन, लाउडनेस. सी, अगर मैं लाउडनेस के बारे में बात करूं तो कोई भी साउंड कितना लाउड है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. अगर आप एक सोर्स के पास खड़े हो तो आपको वही साउंड बहुत ज्यादा लाउड सुनाई देगा. वहीं पे आप सोर्स से बहुत ज्यादा दूर खड़े हो तो आपको वो उतना ज्यादा लाउड सुनाई नहीं देगा. मीन्स ये जो लाउडनेस है ये सोर्स के इंटेंसिटी के साथ साथ और भी बहुत चीजों पर डिपेंड करता है. ये सिर्फ सोर्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये आप कहाँ पर खड़े हो, आपका पोजीशन क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, कितने लोग प्रेजेंट है, उन सब चीजों पे ये लाउडनेस जो है, ये जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस वाला, इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. सो ये जो लाउडनेस है इट्स अ सब्जेक्टिव, मतलब कौन सुन रहा है उस पर डिपेंड करता है. सोर्स, प्रेशर और एम्पलीट्यूड, ओके. सो दिस लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेना, कि पर्सन कहां पर खड़े होकर उस सॉन्ग को सुन रहा है, दैट डिसाइड्स द लाउडनेस. कुछ लोग है तुम इयरफोन लगा रहे हो, इयरफोन तुम्हारे कान में है तो तुम्हारे लिए दैट सॉन्ग इज वेरी लाउड, बट फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग आउटसाइड उसको बिल्कुल भी लाउडनेस नहीं आ रही है, भले सोर्स चल रहा है. सो लाउडनेस इज अ फैक्टर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ओके. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन के परसेप्शंस के हिसाब से ये वेरी करता है. दूसरी बात जो दूसरी, फर्स्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन परसेप्शन. सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो कान है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 पास्कल का साउंड को बर्दाश्त कर सकता है. साउंड का प्रेशर इज 28 पास्कल, जो सबसे लाउड साउंड है उसका इतना प्रेशर आपका कान बर्दाश्त कर सकता है. अगर इससे ऊपर गया तो यू विल स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इट. ऑफकोर्स इसकी वजह से भी, ये भी एक्सट्रीम फिनोमिना है, इसको भी आप एक बार, दो बार, चार बार, 15 बार सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे. बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो कान है वो 28 पास्कल का प्रेशर सुन सकता है, और सबसे मिनिमम जो वो सुन सकता है इट इज 2.0 × 10⁻⁵ पास्कल. दैट इज जो आप कान में विस्परिंग करते हो, जो कान में आप धीरे धीरे बोलते हो, उसका प्रेशर ऑलमोस्ट 2 × 10⁻⁵ पास्कल का होता है. तो सबसे ज्यादा जो साउंड होता है जो आपका कान सुन सकता है, दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑफ 28 पास्कल. और जो सबसे कम लाउडनेस का साउंड होता है, जो कि विस्परिंग के टाइम पे आपके कान में क्रिएट होता है, दैट क्रिएट्स अ 2 × 10⁻⁵ पास्कल का साउंड. दोनों में आपको प्रॉब्लम होती है. अगर कम है तो भी आपके कान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और अगर ज्यादा है तो भी आपके कान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. सो बोथ ऑफ क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू योर ईयर. थर्ड वन, एज आई सेड कि लाउडनेस डज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स का एम्पलीट्यूड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एनवायरमेंट, कि आपका एनवायरमेंट कितना है, ओके. सो आपका जो साउंड लेवल होता है, साउंड लेवल कि आप कितना सुन रहे हो, कितना आपके पास पहुंच रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, एंड दैट इज गिवन बाय, बीटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला 10 log to the base 10 I/I0. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने किया है 11th स्टैंडर्ड में, 10 log to the base 10 I/I0, वेयर I0 इज द मिनिमम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हो. प्रेशर से क्या रिलेशन है, मतलब इतना चैप्टर खत्म होने के बाद हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि प्रेशर से क्या रिलेटेड है. जब आप बोलते हो देयर इज अ कंप्रेशन रिट्रैक्शन, कंप्रेशन रिट्रैक्शन, कंप्रेशन हैव अ हाई प्रेशर, सो हाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रेशर. सो आई नॉट इज द मिनिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन लिसन, आई नॉट इज द मिनिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन लिसन, एंड आई इज द इंटेंसिटी विच योर सोर्स इज क्रिएटिंग. So your sound level that is reaching to your ear is given by 10 log to the base 10 I/I0, where I0 is the minimum intensity जो आपका कान सुन सकता है. अगर आपका sound का intensity I = I0 हो जाए तो जो sound आप तक पहुंचने वाला है that will be zero. आप बिल्कुल सुन नहीं पाओगे. इतना इसके ऊपर तो आपको एटलीस्ट चाहिए कुछ सुनने के लिए. दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी जो आपका कान परसेप्ट कर सकता है. ओके, सो इफ आई बिकम्स इक्वल्स टू आई नॉट, अगर आई जो है वो आई नॉट के ही बराबर है तो आपका आपके कान के पास जो साउंड लेवल जाएगा इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो.
नाउ यू नो द रिलेशन इज मलान डिस्टर्ब करतोय One decibel is equals to 1 by 10 of bell. Ye relation you know. Ki 1 decibel is 1 by 10 of bell. And decibel is the unit of your sound level. Jo sound level aap sun rahe ho, uska unit hai decibel. Okay. Vaise loudness ko, ek minute ho, loudness ko ek aur unit se refine kiya jata hai. That is called as phone. Agar aapko yaad ho, one phone, is equals to 1 decibel for frequency 1000 hertz. जब आपकी 1000 hertz frequency होती है तो आपका एक फोन जो होता है वो एक decibel के बराबर होता है. You are keeping the condition that frequency should be 100 hertz. Okay, so loudness is also measured in decibel and it is also measured in the standard unit for loudness is phone. It is also measured in phone. So, one phone is equal to 1 decibel when the frequency is 1000 hertz. This is a standard definition to define one phone. Okay? So, this is all about loudness of your sound. Who's out of the push? Please push. Ma'am, aapne bola I is equal to I naught rahega, so the awaaz pura zero rahega. Loudness. Haan. But I naught to minimum hai na? Loudness zero ho gaya na? Ekdam. मिनिमम इंटेंसिटी पे है तो लाउड हुआ क्या वो साउंड अच्छा हां साउंड लाउड इट इज एट मिनिमम इंटेंसिटी लाउड होगा ना नहीं आप परसेप्ट करोगे बट बहुत स्लो होगा मींस यू विल से लाउडनेस इज जीरो आप इसको उसको परसेप्ट करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी अच्छा मतलब ऐसा लगेगा कि सामने वाला बहुत पीसफुली बोल रहा है करेक्ट पीसफुली तो डिपेंड करता है ना इतने प्यार से बोलता है फिर भी वो कभी कभी हमारे लिए पीसफुल ही नहीं होता नहीं मैम मतलब अगर वो एकदम ऐसा प्यार से बोले तो उधर लाउडनेस जीरो हो गया ना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लाउडनेस का मतलब प्यार से बोला नहीं है वो तो इमोशंस है आपके वो लाउडनेस का मतलब वो नहीं है लाउडनेस का मतलब कभी कभी प्यार से भी आप बोलते हो तो जोर से बोलते हो ऐसा कुछ नहीं है बट लेकिन मैम ऐसे एकदम पीसफुली बोलना शांति से बोलना बहुत लो इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स दैट आर अराइविंग टू योर ईयर That's all. No, I think Balaji ne bola whisper ki tarah hai kya? Yes. Whispering bol sakte ho. Whispering bol sakte ho ya ekdam kam intensity rakho sound ka. Aapka aapne music baja diya. Bajane ke baad koi family wala koi bahar se aa gaya. To aap the patak se uska volume ekdam kam kar dete ho. Means you reduce its loudness. You reduce its sound level. To aap ekdam sound level kam kar dete ho. Jisse aapka sound produce ho raha hai. But it is almost equals to your I naught, jiski wajah se it is not reaching to the people. That is what you do in the, your decreasing and increasing the volume. That is you increase the sound level. This part you increase. Aapke pehle ke jo ye aate the radios wagera, usme nahi upar likha hota tha sound level, jispe aap volume kam aur zyada karte the. Black color ka ek dibbe jaisa aata tha. Agar aapke paas hoga to pata nahi, maine dekha hai. So your sound level is given by 10 log to the base 10 I by I naught, where I naught is the minimum intensity. If I is equals to I naught, your beta becomes equals to zero. 1 decibel is 1 by 10 of bell. Your now loudness ka ek aur unit hai, that is called as phone. One phone is equals to 1 decibel when you keep the frequency at 1000 hertz. So one phone ka standard definition is given by that. One phone is equivalent to your 1 decibel for the frequency 1000 hertz. Hope you are clear with the loudness. Should I go ahead with the next part? Let's go ahead with the next part. Just aise hi unhone ek condition specify kar diya ki okay 1000 hertz pe jo 1 decibel sound create ho raha hai we'll call that as one phone. They have given another unit. Next is pitch. Pitch ke bare mein aapko bahut acche se pata hai. जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है दे हैव हाई पिच जिसका फ्रीक्वेंसी लो होता है दे हैव लो पिच ऑफ कोर्स गर्ल्स और बॉयज के जो वॉइस होते हैं पिच का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज अराइविंग फ्रॉम योर थ्रोट गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी हमेशा बॉयज के कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई होता है उनका पिच बहुत ज्यादा हाई होता है ओके सो पिच इज ऑल अबाउट योर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम योर थ्रोट
और एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जनरेट हो रही है तो पिच इज हाई, अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जनरेट हो रही है तो पिच इज लो. कुछ कुछ लोगों का पिच बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट्स मी. ओके, जब पिच बहुत ज्यादा हाई होता है तो आपको जो साउंड है वो पटाक से आपके कान में जाके चुभता है. यू से कान में तुम्हारा, तुम जो बोल रहे हो वो कान में चुभ रहा है. इट मीन्स पिच इज हाई, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन वन सेकेंड इज वेरी हाई. ओके, सो या ओपेरा सिंगर भी बोल सकते हो, बट दे सेट अकॉर्डिंग टू द ओवरटोन्स एंड फ्रीक्वेंसीज, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं वो लोग. सो पिच फॉर गर्ल्स इट इज ऑलवेज हाई एंड फॉर बॉयज इट इज लो. इसीलिए गर्ल्स एक सेकेंड में बहुत ज्यादा बातें कर सकती है, बॉयज थोड़ा सा कम करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड. अब अगर वैष्णवी गाना गाए और मानसी मिस गाना गाए, दोनों के गाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. मीन्स दे हैव अ क्वालिटी डिफरेंस, क्योंकि वैष्णवी ने अपने गले को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि वो हर ओवरटोन और फ्रीक्वेंसी, हर ओवरटोन के हिसाब से अपने हिसाब से अपने अंदर से गाना निकाल सकती है, अपने थ्रोट से गाना रिलीज कर सकती है. मतलब उसके पास वो जो भी वॉइस क्रिएट कर रही है, या अनघा का ही ले लो, वो लोग जो भी वॉइस क्रिएट कर रहे हैं उनके हर टोन में देयर इज अ ओवरटोन. बट वहीं पे जब मैं क्रिएट करूंगी, कोई बात नहीं, नहीं सुना है ना, जो सुन रहे हो वो भी काफी है. जो साउंड मैं क्रिएट कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि उसमें हर वक्त ओवरटोन प्रेजेंट है. कभी फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, कभी फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, कभी फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, कभी फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो. सो दिस, ये जो आप ओवरटोन क्रिएट करते हो अपने गले से, ये जो फ्रीक्वेंसीज रिलीज करते हो, अगर वो सारी, प्लीज हियर, तुम लोग सब गाने का ही नाम ले लो, आई विल स्टॉप टीचिंग. ये जो आप फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हो, अगर आपके गले से, आपके थ्रोट से जो भी फ्रीक्वेंसीज निकल रही है उनके बीच में कोई रिलेशन है, मीन्स पहले टाइम में आपने 1 हर्ट्ज रिलीज किया, फिर आपने 2 हर्ट्ज रिलीज किया, सो आप एक सिक्वेंस में फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हो, तो आपका जो क्वालिटी होता है साउंड का वो बहुत अच्छा हो जाता है. बट जब कोई नॉर्मल पर्सन बोलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी कुछ भी होती है, सो वो टाइम में उसका क्वालिटी इज बैड. दिस इज ओनली द रीजन कि आपको रियाज करना पड़ता है फॉर सिंगिंग. आपको पर्टिकुलरली प्रैक्टिस इसीलिए करवाया जाता है कि आप जो भी साउंड क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट करो. ओके, सो क्वालिटी इज ऑल अबाउट कैसी फ्रीक्वेंसी आपके गले से रिलीज हो रही है. अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है जिनका बीच में कुछ रिलेशन है, तो यू फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन का साउंड इज वेरी प्लीजेंट, अच्छा लगता है सुनने में. और वहीं पे अगर किसी की फ्रीक्वेंसी, किसी का गला सेट नहीं है, बस वो गाए जा रहा है गाए जा रहा है, देयर इज नो रिलेशन इन द फ्रीक्वेंसीज, देन दैट क्रिएट्स अ नॉइस, दैट क्रिएट्स अ नॉइस. जब फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशन नहीं होता और कोई कुछ भी गा रहा है, दैट क्रिएट्स अ नॉइस. ओके, सो क्वालिटी इज कि आपके गले से कैसी रेंज की फ्रीक्वेंसीज रिलीज हो रही है. अगर फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशन है वो आपको म्यूजिक जैसा फील होगा, अगर फ्रीक्वेंसीज के बीच में बिल्कुल रिलेशन नहीं है, कभी भी कुछ भी रिलीज हो रहा है, वो आपको नॉइज जैसा क्रिएट होगा. सो योर क्वालिटी, और क्वालिटी को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज टिम्बर. क्वालिटी और टिम्बर इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसीज दैट योर थ्रोट इज जनरेटिंग. सो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा. व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट हमने लाउडनेस पढ़ा, दैट इज साउंड लेवल इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल्स टू 10 लॉग टू द बेस 10 I by I naught, where I naught is the minimum intensity that a human ear can hear. Second, हमने पढ़ा कि what is pitch for girls? It is always high. For boys, it is always low. Pitch का मतलब है number of frequencies कितना एक second में release हो रहा है, और number of tones कितना एक second में release हो रहा है. For and then timbre or quality is all about the frequency that your throat is generating. अगर ऐसी frequencies generate कर रहा है जिसके बीच में बहुत सारा relations है, तो आपको वो music जैसा सुनाई देगा. वहीं पे अगर कोई normal person गा रहा है और उसके मुंह से कुछ भी frequency किसी भी time पे निकल रही है, वो आपको noise जैसा सुनाई देगा. Okay? So this is all about characteristics of your sound. Now the last part is musical note. उसके बारे में कुछ खास actually exam में भी नहीं आता, it's not that important. मैं आपको वो दिखा रही हूँ यहाँ पे, आप देखते जाओ. मैं एक सीधा डिफरेंशिएशन आपको म्यूजिकल नोट का दिखा रही हूँ. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज यू, ज्यादा खास नहीं आया,
बट स्टिल इट इज देयर सो आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप के होते हैं. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका गिटार वगैरह हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका ऑर्गन पाइप वगैरह हो गया, और पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका तबला वगैरह हो गया. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में भी तीन टाइप होता है, प्लक स्ट्रिंग, बॉड स्ट्रिंग एंड स्ट्रक स्ट्रिंग. प्लक स्ट्रिंग का मतलब है जब हाथ से स्ट्रिंग को या कुछ एक छोटे से प्रिकल से आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग प्लक करते हो. बॉड स्ट्रिंग का मतलब होता है उसका जो स्ट्रिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके बो जैसा होता है, मतलब ऐसा लाइन जैसा होगा, उसमें से एक धागा जैसा बना होगा, जैसे कि आपका वॉयलिन हो गया. अगर आप वॉयलिन को कभी देखो तो उसको एक व्हाट वी से एक रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से बजाया जाता है. तो उस रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में नीचे ऐसा बो जैसा एक धागा लगाया जाता है, उस धागे को इस वॉयलिन के बेस से रब करके इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. एंड स्ट्रक स्ट्रिंग मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको स्ट्रक करके क्रिएट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल संतूर एंड पियानो, मतलब नीचे आप पियानो में आप क्या करते हो, नॉर्मली ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं और नीचे एक बड़ा सा पाइप जैसा कुछ होता है, नीचे बहुत सारा स्प्रिंग होता है. जब आप ऊपर से बटन दबाते हो तो नीचे के स्प्रिंग्स जो है वो व्हाट वी से डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देयर आर थ्री टाइप्स, प्लग स्ट्रिंग, बॉड स्ट्रिंग दैट इज जिसमें बॉ जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल पार्ट का यूज किया जाता है, एंड स्ट्रक स्ट्रिंग दैट इज योर पियानो और संतूर जिसमें आप ऊपर से दबाते हो और नीचे जितने भी स्ट्रिंग्स लगे होते हैं वो डिस्टर्ब करके साउंड क्रिएट करते हैं. सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो व्हाट वी कैन से सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रेजोनेंस और स्टैंडिंग वेव के हेल्प से बजाए जाते हैं. नेक्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट. विंड इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रक का डिफरेंस क्या है? सब में मटेरियल जो तरीका है वो अलग अलग है. गिटार में आप हाथ से स्ट्रिंग कर रहे हो, बॉर्ड में आप एक ऐसा रॉड यूज कर रहे हो जिसके आगे आपने एक रबर जैसा मटेरियल लगाया है वो ऊपर के स्ट्रिंग को रब करने वाला है. स्ट्रक में आप बटन दबा रहे हो नीचे का स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो रहा है. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जिसमें आप यूज कर रहे हो, तो उससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी. मैम बोर्ड भी नहीं समझा. बोर्ड में कुछ नहीं है. आपने अगर कभी वॉयलिन देखा होगा तो वॉयलिन का जो ये होता है जिससे वो बजाया जाता है, देयर इज अ रॉड लाइक अ स्ट्रक्चर. मोहब्बतें मूवी में देख लेना, वो बजाता है उसमें, ठीक है? उसमें वो ऐसा स्प्रे एक रॉड जैसा मटेरियल होता है जिसमें ऐसा छोटा सा रबर जैसा मटेरियल लगाया होता है, वही उस स्ट्रिंग पे रब होता है. इट क्रिएट्स अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. विंड इंस्ट्रूमेंट पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. अगेन थ्री टाइप्स आर देयर. प्री विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माउथ ऑर्गन वगैरह नॉर्मली आप बजाते हो. एज टाइप में मतलब फ्लूट. एज में आपका क्या होता है, आपके कॉर्नर में एक ऐसा ऊपर ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप मुंह रख कर बजाते हो. सो दैट इज अ फ्लूइड, दैट इज एज टाइप. और द लास्ट वन इज रीड पाइप्स. रीड पाइप्स मतलब अंदर ऐसे छोटे छोटे व्हाट वी से स्ट्रिप जैसे मटेरियल होते हैं जो अलग अलग मेटल से बनाए हुए होते हैं, वो रीड को उसके अंदर लगा दिया जाता है. तो जब आप हवा अंदर पास आउट करते हो ये रीड जो है वो आगे पीछे मूव होते हैं. And they create a frequency inside. Okay, so see, बस इतना ही समझो जितना मैं समझा रही हूँ. बहुत ज़्यादा मुझे मत पूछो, मैंने ही बजाती है सारे instruments. तो मुझे जितना मुझे पता है, मैंने जितना पढ़ा है, मैं उसको बता दूँ. Round में. अब वो सब मुझे नहीं पता. Fluid पता है ना? Fluid is one of the example. आप Google पे search करना, आपको बहुत सारे instruments दिख जाएंगे. Okay. फिर उसके बाद रिटाई में examples आपके आते हैं. Saxophone. क्लैरिनेट जिसके अंदर सिंगल रीड होता है, मतलब एक ही ऐसा स्ट्रिप टाइप ऑफ मटेरियल लगाया जाता है, जैसे ही आप उसमें साउंड पास करते हो वो रीड जैसा मटेरियल मूव होना चालू कर देता है. बसून टाइप जिसके अंदर दो स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं, डबल रीड टाइप ऑफ मटेरियल. और एक बगल होता है, बगल तो आपने काफी बार देखा होगा, बगल के अंदर बिल्कुल भी रीड नहीं होता. सो दिस रीड टाइप्स ऑफ रीड पाइप्स आर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. देन पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. हारमोनियम आई डोंट नो हारमोनियम, उस पर भी बटन के हेल्प से ही किया जाता है. फाइंड इट आउट कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो, यू कैन गेट इट ऑन गूगल. पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स आर योर ढोल, ड्रम एंड तबला. आपको पता है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है दोनों साइड में जिसके ऊपर आप स्ट्राइक करते हो. इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन द एयर इन साइड एंड आउट साइड विच क्रिएट्स अ साउंड. सो पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स आर योर ढोल, ड्रम एंड तबला एक्सेट्रा टाइप. तो दिस पार्ट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बट आपके चैप्टर में था इसलिए मैंने आपको समझा दिया.
आप इसके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो तो गूगल पे आप नाम वगैरह डाल के सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो. यू विल गेट द नेम्स एज वेल एज द ओके. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स. आपको मेन टाइप से इतना याद रखना है कि देयर इज अ स्ट्रिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, विंड टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का यूज किया जाता है, विंड में विंड का यूज किया जाता है, और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि तबला वगैरह हो गया उनका यूज किया जाता है. वो सब गूगल पे सर्च कर लो अब आप, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है फाइंड आउट करने में. सो दिस योर थियरी पार्ट ओवर हियर गेट्स ओवर. सी आई एम नॉट एन एकॉस्टिक पर्सन, आई एम एन एस्ट्रोफिजिक्स पर्सन. तो हम लोगों को कभी ऐसा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने का मौका नहीं मिला. सो अगर आपको चाहिए तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ऑन गूगल. आपको मैंने नाम बता दिया है, नोट्स में मैंने नाम भेज दिया है. आप गूगल पे नाम डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, हाउ इट वर्क्स इफ यू वांट टू गो फॉर. क्योंकि बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दिया है गूगल पे, मैंने ट्राई किया फाइंड आउट करने के लिए, बट बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था. और वो एक्सप्लेनेशन दूंगी तो फिजिक्स साइड हो जाएगा और एकॉस्टिक शुरू हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन की अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नाम जानना जरूरी था कि तीन टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, विंड एंड परक्यूशन. दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ. ओके, सो आपको जो भी सम्स में डाउट है प्लीज पूछो, हम वो सम्स डिस्कस करते हैं, एंड देन अगर टाइम मिला तो वी विल रिवाइज इन लास्ट 15 मिनट्स. लास्ट 15 मिनट्स में विल रिवाइज द थिंग्स. स्टार्ट आस्किंग फास्ट, यू हैव ओनली 8 मिनट्स टू क्लियर योर डाउट्स एंड डिफिकल्टीज. पूछो कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपको. अच्छा 1 बजे तक लेक्चर है, सॉरी बहुत टाइम है फिर तो. चलो ठीक है, पूछ लो फटाफट फटाफट डाउट. क्वेश्चन नंबर पूछो, अनम्यूट करो और क्वेश्चन बोलो. मेरे पास टेक्सटबुक नहीं है फिलहाल. 12th 1 बताओ ना. 12th 1 बताओ. क्वेश्चन क्या है 12th 1 का. ओके फाइन, मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 12th क्या है. ओके 12th 1 कोई करके आया है 12th 1. ठीक है, कोई करके आया है 12th 1 जो बता सकता है. मैम किया है. किया है, पता नहीं सही. 12th 1 किया है किसी ने, कोई बता सकता है. लेट्स सी आप लोग ने कितना ट्राई किया है. 12th 1 किसी ने किया है तो बताओ प्लीज. ओके मुस्कान विल एक्सप्लेन, गो अहेड. Please explain. Explain. Okay. We'll go ahead with the 12th 1. Some people are very smart. Okay, yo. इन 12th 1 वो क्या बोल रहा है वो समझो. उसने दो सोर्सेस रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters. ओके एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters. मैम स्क्रीन बहुत ब्लर है. रखा है स्क्रीन बहुत ब्लर है. इज इट एट 4 meters अवे फ्रॉम ईच अदर. दे आर सेइंग दैट n इज इक्वल्स टू दैट व्हाटएवर फ्रीक्वेंसीज दे आर क्रिएटिंग, बोथ द सोर्सेस आर क्रिएटिंग सेम फ्रीक्वेंसीज एंड सेम एम्पलीट्यूड. उन्होंने फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड दोनों सोर्सेस जो है सेम क्रिएट कर रहे हैं, बट जो फेज है दोनों का, ये जो दोनों वेव, ये जो दोनों सोर्स वेव जनरेट करने वाले हैं, वो दोनों सोर्स का जो फेज है इट इज 180 आउट, मींस आउट ऑफ फेज. मतलब अगर एक क्रस्ट क्रिएट करेगा तो दूसरा ट्रफ क्रिएट करेगा. दिस इज समवॉट इज गोइंग ऑन. मतलब अगर आप इनका सुपर इम्पोज करवाओगे तो कुछ इस तरीके से सुपर इम्पोज होंगे, जहां पर एक सोर्स का क्रस्ट मिलेगा वहां पे दूसरे सोर्स का ट्रफ मिलेगा, इस तरीके का जनरेशन होगा. So somewhere you can say that it is creating a standing wave. Correct है? It is creating a standing wave. है ना? एक का क्रस्ट मिल रहा है, दूसरे का ट्रफ मिल रहा है. तो समवेयर दे आर आउट ऑफ फेज, तो उनका जो जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव. ओके नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, दे आर सेइंग दैट कि दे व्हाट एवर द सोर्सेज आर क्रिएटिंग, दैट सोर्सेज आर क्रिएटिंग द वेव्स ऑफ आउट ऑफ फेज.
वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी कि कहां कौन से पॉइंट्स पे द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. दिस इज अ क्वेश्चन कि कौन से पॉइंट्स पे आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी. अब मुझे पता है कि अगर मैं दो वेव्स क्रिएट करूं, इफ आई क्रिएट द टू वेव्स, मैंने यहां से एक वेव क्रिएट किया, दूसरा जो है रिफ्लेक्शन की तरह कुछ क्रिएशन होगा ऐसा कुछ. अब मुझे एक चीज पता है कि हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी कब क्रिएट होती है. मैक्सिमम इंटेंसिटी कब क्रिएट होती है, जब यहां पर व्हेन इट इज लैम्डा बाय 4. पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी इज क्रिएटेड एट लैम्डा बाय 4, करेक्ट है. दूसरी मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी क्रिएटेड एट, दिस इज 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, करेक्ट है. चौथी विल बी क्रिएटेड एट this is 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, 4 lambda by 4, 5 lambda by 4. So, Hamesha, this at this particular point, you will get the maximum intensity. Correct? Now what? Pehle hum log lambda nikalenge. Hamare paas, aapko pata hai, velocity of sound, frequency toh unhone diya hai 330 hertz. Velocity of sound is, wait, how much? Velocity of sound is always 350 meter per second. यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा कि एक वेव का लैम्डा कितना है. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एल लैम्डा, जिसे आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1.060. अब आपको पता है कि फर्स्ट इंटेंसिटी कब, हाई इंटेंसिटी कब क्रिएट होगी. फर्स्ट हाई इंटेंसिटी अगर मैं दोनों साइड से देखू, फर्स्ट हाई इंटेंसिटी विल बी क्रिएटेड एट, और फर्स्ट मैक्सिमा विल बी क्रिएटेड एट लैम्डा बाय 4. तो सबसे पहला जो क्रिएट होगा 1.060 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 0.25. अब अगर मैं सेंटर से देखूं, इफ आई सी इट फ्रॉम सेंटर, तो 0.25 पे यहाँ पे भी क्रिएट होगा, यहाँ पे भी क्रिएट होगा. सो आई एम कंपेयरिंग इट विद द सेंटर, तो 0.25 पे यहाँ पे, 0.25 पे यहाँ पे, तो इट इज प्लस माइनस 0.25 पे आपको पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी. दूसरी मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, गो अहेड, this is lambda by 4 pe ek mili, dusri will be 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, 4 lambda by 4, this is lambda by 4, ma'am 3 lambda by 4, ha 2 lambda by 4, 3 lambda by 4, so dusri jo aapko create hoke milegi, second high intensity will be at 3 lambda by 4, so when you divide it you will get the answer as plus minus 0.75, kyunki yahan pe bhi 3 lambda by 4 pe milegi aur yahan pe bhi 3 lambda by 4 pe milegi. तो प्लस माइनस, ये सेंटर को ओरिजिन कंसीडर किया है और ये दोनों साइड को प्लस माइनस कंसीडर किया है. तो इस तरीके से यू फाइंड आउट कि आपका जो 4 सेंटीमीटर का है वो 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड होगा, और जो लास्ट आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 1.7 मीटर्स. क्लियर विद द पार्ट 1. ये भी अगेन प्लस माइनस होगा कि 1.7 मीटर पे यहाँ पे मिलेगी, 1.7 मीटर पे यहाँ पे मिलेगी. समझा आपको क्या करना है, क्लियर हुआ. मैम एक बार पूरा सम दिखाओ ना इसे. B is equals to, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, डोंट वरी, आई विल सेंड यू सॉल्यूशन टुडे, जस्ट वांट यू टू ट्राई, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भेजा. क्या आप कुछ तो सोचो, B is equals to n lambda, lambda मिल गया, मुझे पता है पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑलवेज एट lambda by 4, पहला एंटीनोड इज एट lambda by 4, सो हियर दिस यू, हियर यू गेट 0.25, देन 3 lambda by 4, 0.75. Then उसके बाद अगेन यू विल गो फॉर 5 लैम्डा बाय 4, वेयर यू विल गेट द थर्ड हाईएस्ट इंटेंसिटी. हालांकि अगर ओपन सोर्स है तो 0 पे भी यू गेट अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू. सो 0.25 प्लस माइनस 0.75 प्लस माइनस एंड सो ऑन, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस. Clear with the part? Samjha sabko ki what we are doing here? Why you have taken lambda by 4, 3 lambda by 4 and so on? Okay, let's go ahead with another part. So your some doubt hai to please puchho. Please ask. यहाँ पे हमने मीन को, यहाँ पे हमने मीन जीरो को लिया है, मीन्स वी हैव टेकन द सेंटर पॉइंट,
सेंटर पॉइंट से हम देख रहे हैं, व्हेन सेंटर पॉइंट यू आर नॉट कंसीडरिंग, तो आपको पहला एंटी नोड जो यहाँ पे मिल रहा है ओवर हियर, यू आर गेटिंग द फर्स्ट एंटी नोड ओवर हियर. ओके, सो इट इज प्लस माइनस 0.25 फ्रॉम बोथ द साइड्स. वी हैव बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द सेंटर. So at zero, you will not get the antinode here, of course. Anything else? Question number 15. Kya doubt hai question number 15 mein? Question batao zara. What is question number 15? Kya doubt hai? Who was that person? Please ask. Unmute yourself and ask. What is question number 15? Miss, question. Please follow. मिस पीडीएफ निकाल रहा हूँ, रुको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लिखा ही नहीं. क्या निकाल रहा है? पीडीएफ निकाल रहा हूँ. हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? वो तो डायरेक्टली आपके पास है ना, आपके पास तो डायरेक्टली वो चीज है, उसमें आपको क्या फाइंड आउट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है आपको. आपको आपको एन दिया है, आपको 896 क्या दिया है? What is the question? Please ask. I don't know. I don't have textbook with me. अगर आपके पास है तो आप please बोलो. मैम, fundamental frequency निकालना है 15th वाले. और क्या क्या दिया है? Frequency दिया है, overtone दिया है. Overtone का frequency. Okay, first overtone दिया है, second overtone दिया है, third overtone दिया है. आपको fundamental frequency निकालने बोल रहा है. तो आप इसके हेल्प से आपको fundamental frequency आ जाएगी. क्या कंडीशन है? पाइप क्लोज एट वन एंड है कि पाइप क्लोज ओपन एट वन एंड है? क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? क्लोज एट वन एंड. आपको पता है पाइप क्लोज एट वन एंड के बीच में आपके फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है? यू नो दैट, करेक्ट? 2f का है ना. सो आपका अगर फर्स्ट ओवरटोन से आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो पाइप क्लोज एट वन एंड में, तो क्या रिलेशन है? यू नो दैट फॉर फर्स्ट ओवरटोन n1 दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, 2p+1 × n, करेक्ट है? ये रिलेशन है ना. और ये n is giving you the fundamental frequency. बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. सीधा n1 आपको पता है इट इज 640 Hz, करेक्ट? n1 इज 640 Hz, फर्स्ट ओवरटोन इज 640 Hz, करेक्ट? सो आप यहाँ पे पीक सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड करके यू कैन गेट अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यू कैन सिंपली गेट अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नॉट अ बिग डील, कुछ नहीं है इसमें. क्या डाउट है? मुझे एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पता एग्जैक्टली. आप क्वेश्चन रीड करोगे क्या? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है. रीड करो कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो. मैं आज क्वेश्चन लेके नहीं बैठी हूँ मेरे सामने. Pipe closed at one end can produce overtones at frequencies 640 hertz, 896 hertz, okay, and 1152 hertz. Calculate the fundamental frequency. Okay, now they want to calculate the n, correct? ये question है. अब वो क्या बोल रहा है? What is going on? कि आप उसको उसने बोला दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल द पार्ट. नाउ इफ इट इज योर फर्स्ट ओवरटोन, दैट इज अगर ये फर्स्ट ओवरटोन है तो दैट विल बी ऑफ योर थर्ड हार्मोनिक, अगर आपको याद हो. क्योंकि इन पाइप क्लोज एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, क्लियर है ना? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. सो इफ इट इज योर फर्स्ट ओवरटोन मीन्स इट इज योर थर्ड हार्मोनिक. इफ इट इज योर सेकेंड ओवरटोन दैट विल बी योर फिफ्थ हार्मोनिक. If it is your third overtone, that will be your seventh harmonic. So you know the relation ki n1 is equals to 2p+1 × n. Yehi aapka formula tha. Aapke paas n1 hai. Aapko agar pata chal jaye kaun sa harmonic hai. Aapko pata hai ye first overtone hai. To n1 is equals to 2p+1, 3 times of n. Correct hai? So n1 kitna diya hai? 640. 640 divided by 3 is equals to n. Kitna aa raha hai?
is what is the correct answer? Is it the correct answer? Answer 128 है. 128. 128 है. 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 128
सब नंबर 15th है फोटोन्स एट फ्रीक्वेंसी 1 and 6 मैम वो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करके आता है वो वाला है नहीं दैट इज करेक्ट आई जस्ट वांट टू सी कि दे हैव गिवन इट एज फर्स्ट फर्स्ट वन और नॉट फर्स्ट हार्मोनिक नहीं मैम आई सेंड ओके लेट मी सी द 15th वन कोई और डाउट है तो प्लीज पूछो मैं देख के मैं क्वेश्चन देख के आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या है लेट मी सी द 15th वन देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क लेट मी सी द 15th वन मेरे को सम्स देख सम देखना पड़ेगा क्या है अब तक कोई और डाउट है तो पूछो हेलो मिस हाँ बोलो हेलो मिस 19 वाला भी बता 19 वाला हाँ लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 19 A string 1 meter long is fixed at one end. The other end is moved up and down with frequency 15 hertz. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops are formed. वो बोल रहा है कि एक string है जिसको उसने ऊपर नीचे vibrate किया और वो एक side से एक end से fixed है. Okay. और overall जो loop create हुआ है यहाँ से that is 1, 2, 3 and 4. 4 का loop create हुआ है overall. आपको पता है open end पे हमेशा antinode होता है. तो उसने बोला कि आफ्टर दिस यहाँ पे नोड क्रिएट होगा यहाँ पे एंटी नोड क्रिएट होगा दिस इज व्हाट इज द रिलेशन करेक्ट ऐसा कुछ लूप बन रहा है यहाँ से उन्होंने 4 लूप बनाया हुआ है 1, 2, 3, 4 सेम यहाँ पे होगा सेंटर पे देर विल बी अ मीन पोजीशन एंड हमेशा ओपन एरिया में देर इज एन एंटी नोड वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी दी है दैट इज 15 हर्ट्ज frequency is 15 hertz due to this stationary wave of 4 complete loops have formed find the speed of the progressive wave which produces a stationary wave aapko v find karna hai progressive wave ka jo ki stationary wave bana raha hai ab us cheez ke liye aap kya karoge aapko pata hai ki ye string ka pura length kitna hai string ka pura length 1 meter ka hai correct hai 1 meter mein wo itna loops cover up kar raha hai agar aap isko dhyan se dekho to this is your one wavelength तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो कितने वेवलेंथ में डिवाइडेड है वन वेवलेंथ ये दूसरा वेवलेंथ और दिस इज समथिंग 1/4 ऑफ योर वेवलेंथ सो 2 + 1/4 दैट इज 2.25 में ये डिवाइडेड है करेक्ट 2.25 में ये पूरा स्ट्रिंग में इतना बड़ा वेव जनरेट हुआ है तो आप पहले फाइंड आउट करोगे कि एक वेवलेंथ का एक लैम्डा का साइज कितना है आपको लैम्डा मिल गया आपके पास फ्रीक्वेंसी है आप वेलोसिटी निकाल लोगे समझा क्या करना है क्लियर विद द पार्ट यस मिस अरे या यहाँ पे एक कितना लैम्डा है टोटल कितना लैम्डा जनरेट हुआ है एक मीटर के अंदर ये एक लैम्डा ये दूसरा लैम्डा और ये 1/4 तो कितना लैम्डा टोटल जनरेट हुआ है 2.25 लैम्डा जनरेट हुआ है टोटल तो आप 1 मीटर में 2.25 लैम्डा जनरेट हुआ है तो डिवाइड करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे कि एक लैम्डा की वैल्यू कितनी है मतलब क्लियर आपको ऐसे लैम्डा मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी आपके पास है वेलोसिटी यू विल कैलकुलेट इज इक्वल टू एन लैम्डा थैंक यू मिस या कुछ और फाइंड आउट करना है किसी को और किसी सब में डाउट है तो प्लीज आस्क That's all. इतने ही डाउट है क्वेश्चन नंबर 15th लेट मी सी
उसके उसके अलावा अगर कोई कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. आई नीड टू सी क्वेश्चन नंबर 15. कोई डाउट नहीं किसी को? और बाकी सारे सम्स आए हुए हैं? हेलो मिस 18 बताओ. 18th. सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप. हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स? आपको क्या करना है, पहले आपको एक पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है. कौन से पाइप की दी है? ओपन एट बोथ द एंड्स की. जब ओपन एट बोथ द एंड्स की आपको दी हुई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आपको पता है इट इज वी बाई 12, करेक्ट? आपको एन दिया है, आपको स्पीड पता है, स्पीड इज 350 मीटर पर सेकेंड. आपको यहाँ से लेंथ मिल जाएगा, तो आपको एक का लेंथ मिल गया, करेक्ट? अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड, एंड the first overtone of pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of pipe open at both ends. So, aapko pata hai ki first overtone of pipe closed at one end kya hai aur first overtone of pipe open at both ends kya hai. Ab aapko pata hai ki wo bol raha hai ki wo dono ek dusre ko equal hai, to aap dono ko pipe closed at one end wale ko, pipe closed at one end wale ko aap equate karoge pipe open at both ends wale ko. आप पाइप क्लोज एट वन एंड वाले का तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास वी भी है, टू भी है, एल भी, सॉरी वी भी है और एल भी है, तो इसका तो आप फर्स्ट ओवरटोन फाइंड आउट कर लोगे. अब यहाँ पर वी तो सेम होगा, लेंथ आपको दूसरे वाले की निकालनी है, तो यहाँ पे अननोन से क्या रह गया, दूसरे वाले का लेंथ, जो की इक्वेट करके इजिली आ जाएगा. समझ में आया क्या है क्वेश्चन? हाँ मिस. एग्जैक्टली. एनीथिंग एल्स? Anything else? कुछ और डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क. हेलो मैम. हाँ बोलो मैम. वो 15th वाला ना, वो ओवरटोन के हिसाब से करना है ना, वो फंडामेंटल ओवरटोन के हिसाब सही करना है, बट आई नीड टू सी इट कि उसमें क्या क्या किया है. मैंने अभी तक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं है एंड एट द टाइम मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है. सो आई नीड टू सी इट. वो फर्स्ट हार्मोनिक इज इक्वल्स टू 3v / 4l करके. हां दैट इज करेक्ट, दैट फर्स्ट हार्मोनिक इज 3v / 4l, दैट इज व्हाट इट मींस ना. मैंने वही तो बोला कि योर n1 इज 3 टाइम्स ऑफ n बिकॉज़ n इज v / 4l, करेक्ट है. N2 is 5 times of N. That is again N is V by 4L. आपको N1 और N2 का रिले, आपको N1 और N2 दिया है. But N1 और N2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? That is always important. तो यहाँ पर आपको I think so N1 और N2 नहीं दिया है. आपको N2 और N3 दिया हुआ है starting में. अगर आप देखो, okay, I got the relation here. Frequencies given are 640 hertz. 896 hertz and 1152 hertz. अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकालो, इन दोनों का रिलेशन निकालो तो व्हाट विल हैपन? अगर आप इसको लेट अस से दिस हैज फ्रीक्वेंसी नंबर n1, दिस हैज फ्रीक्वेंसी नंबर n2. अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकालो, डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं ना? हाँ डिफरेंस निकाल के देख सकते हो. सो व्हाट यू विल फाइंड कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो 7/5 का आ रहा है. n2 / n1 अगर आप करते हो, if you go for n2 / n1 you get the relation as 7/5, means your n2 is 7/5 times of n1, correct? aisa kuch relation aa raha hai aapka. so agar aap normally karte ho to n3 is 7 times of n, to aapko ye relation diya hai, aapko n1 nahi diya, aapko first overtone nahi diya hai usne. first overtone is 3 times of n, aapko ye relation diya hai unhone. N2 is equal to 5 times of N, N3 is equal to 7 times of N. अगर आप N2 / N3 करो तो आपको ये relation आता है.
n3 by n2 अगर आप करो, n3 by n2 अगर आप करो तो यू गेट दिस रिलेशन 7/5. मीन्स ये जो दिया है इट इज नॉट द फर्स्ट ओवरटोन, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन नहीं है, इसीलिए आपको मेरे को आंसर रॉन्ग आया, क्योंकि दिस इज नॉट योर फर्स्ट ओवरटोन, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन नहीं है. समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? अब जरा ध्यान से समझो, ये सबको मैं अच्छे से समझाती हूँ कि व्हाट दे हैव गिवन. दे हैव नॉट टोल्ड यू दैट दिस 640 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज, उन्होंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला कि दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन एंड दिस इज थर्ड ओवरटोन. दे हैव नॉट स्पेसिफाइड इट. तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये कौन से ओवरटोन्स है. वी नीड टू फाइंड इट कि ये कौन से ओवरटोन्स है, समझा? अगर आप इनका रेशियो निकालो, लेट अस से इट इज n2, लेट अस से इट इज n1. अगर आप n2 बाय n1 का रिलेशन निकालो इसके हिसाब से, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 896 डिवाइड बाय 640, यू आर गेटिंग द रिलेशन एज 7/5. मतलब अगर आप रिलेट करो तो फंडामेंटल, अगर हम पाइप क्लोज एट वन एंड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन लेंगे तो ऐसा कुछ आता है, n1 इज 3 टाइम्स ऑफ n, n2 इज 5 टाइम्स ऑफ n, n3 इज 7 टाइम्स ऑफ n, करेक्ट है? ये रिलेशन आता है. मतलब एग्जैक्टली ये जो इन्होंने दिया है ना, दिस पार्ट इज एक्चुअली दिस रेशियो, ये आपका n2 है और ये आपका n3 है, ये रिलेशन है एक्चुअली में. दिस इज योर n2 एंड दिस इज योर n3. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्योंकि अगर आप n3 बाय n2 करो तो आपको 7/5 का रिलेशन मिलता है. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मींस दिस इज योर, दिस पार्ट इज योर सेकंड ओवरटोन एंड दिस पार्ट इज योर थर्ड ओवरटोन. आपको फर्स्ट ओवरटोन दिया ही नहीं उन्होंने, इस समय आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा. दे हैव नॉट गिवन यू फर्स्ट ओवरटोन. आपको उन्होंने सीधा n2 और n3 दिया है. और जब आपने n2 और n3 का रेशियो निकाला आपको 7/5 मिला. n3 by n2 is 7/5, करेक्ट है? मींस दिस इज एक्चुअली योर n3 by n2. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इज n3 by n2, जिसको हम n2 by n1 लेके सॉल्व कर रहे थे. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मींस इट इज, दिस इज क्लियर दैट n3 इज 5 टाइम्स ऑफ, सॉरी n2 इज 5 टाइम्स ऑफ n. आपको n2 कितना दिया है उसने? What is n2? 640 is equals to 5 times of n. 5 times of n कैसे आया? समझाना? np is 2p plus 1 into n. p is how much? p is 2. 2 to the 4 plus 1, 5n. अब 640 को जरा 5 से डिवाइड करो, देखो you will get the same answer. मैम 128 आ रहा है. हाँ बराबर है. So your fundamental frequency is 128. समझा सबको? ओके, कुछ और डाउट है? और शुड आई स्टार्ट विद द रिवीजन? वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, फटाफट रिवाइज करें. शुड आई स्टार्ट विद द रिवीजन? ओके मैम. कोई डाउट नहीं है अभी सम्स में? नो मैम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन देन. आपको ट्रांसवर्स वेव का तो सब याद होगा मे बी, क्योंकि मैंने उसका रिवीजन बीच में लिया था, तो उसका कोई रिवीजन का जरूरत नहीं है ना? उसका प्लीज आंसर गाइस, मैं तुम लोगों के लिए ये चीज कर रही हूँ. नो मैम. सेम मैम. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वेव्स, ठीक है? हमने क्या क्या पढ़ा, जरा फटाफट गो थ्रू करते हैं. वी स्टार्टेड विद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. मैंने आपको ये पार्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया. सुपर पोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोजिंग और ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स. अब स्टार्टिंग में हमने देखा था योर वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स में जिनको मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती.
ओके नाउ अगर हम आगे जाए तो आपका मैकेनिकल वेव्स में हमने दो टाइप्स देखा था. मैकेनिकल वेव्स में जिसपे हम फोकस करने वाले थे उसमें हमने दो टाइप देखा था. वन टाइप वॉज योर प्रोग्रेसिव वेव, अनदर पार्ट वॉज योर स्टेशनरी वेव. अब आपको डिफरेंस पता है प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के बीच में क्या है. ओके अब प्रोग्रेसिव वेव के बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट रिविजन लेक्चर स्टेशनरी स्टार्ट होने से पहले लिया था. सो आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दैट. सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आपको पता है किसी भी वेव का रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट, वी विल डिस्कस मेनली अबाउट स्टेशनरी वेव. मैं पूरा रिविजन अभी स्टेशनरी वेव पे ही लेने वाली हूँ. एक बात हमेशा याद रखना, जब हमने इसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन किया था प्रोग्रेसिव वेव का, हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम लिया था. अब आपको पता है कि क्यों सेम लिया था, क्योंकि ये अलग कर दिया तो फिनोमिना ही अलग हो जाएगा. करेक्ट है. सो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी वर ऑलवेज सेम, चाहे आप इसका एनालिटिकल करो चाहे स्टेशनरी वेव का एनालिटिकल करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग होते ही यू विल कम टू द न्यू टॉपिक नोन एज बीट्स. आपको अब उसके बारे में पता है. ओके नाउ इफ आई डिस्कस अबाउट द स्टेशनरी वेव, लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्टेशनरी वेव. इसका रिविजन जरा अच्छे से लेते हैं. स्टेशनरी वेव, ओके स्टेशनरी वेव में सबसे पहला फिनोमिना ये था कि स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होता है. प्लीज आंसर, स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होता है, जब किसी भी दो प्रोग्रेसिव वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है, किसी भी दो प्रोग्रेसिव वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है बट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. दो वेव्स का जब सुपर इम्पोजिशन होता है फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन तो जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है दैट इज अ स्टेशनरी वेव. करेक्ट है. ऑफकोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हम दोनों सेम रखेंगे. वी आर गोइंग टू कीप द फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड टू बी सेम. उसके बाद हमने डेरिवेशन डिराइव किया था. हमने दो वेव्स लिया था, एक वेव लिया था y1 is equal to a sin of 2 pi nt minus x by lambda और दूसरा लिया था y2 is equal to a sin 2 pi nt plus x by lambda. ये माइनस और प्लस ये समझाता है कि वी आर टेकिंग वेव फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. माइनस इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन. जब आप इसका सुपरइम्पोजिशन करते हो यू गेट द रिजल्टेंट वेव एज y is equal to a sin of omega t. स्टेशनरी वेव में यहाँ पर फेज, दिस इज योर फेज, इसको फेज बोलते हैं. यहाँ पर फेज में x नहीं आ रहा है. प्रोग्रेसिव वेव में यहाँ पर फेज में x आता है. यहाँ पर फेज में x ना आने के पीछे यही एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर जो वेव्स होती है उनकी एनर्जी मूव नहीं होती, पार्टिकल वहीं पर ऊपर नीचे अपनी एनर्जी को लेकर ऑसिलेट करते हैं. और आपका जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ x, 2a cos of 2 pi x by lambda. मतलब x के साथ साथ हर पार्टिकल का अकॉर्डिंग टू द पोजिशन, हर पार्टिकल के एम्पलीट्यूड का एसएचएम, सॉरी हर पार्टिकल के एसएचएम का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट. हर एक्स पोजिशन के साथ हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो अलग अलग आएगा. दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स. ओके नाउ उसके बाद हमने कंडीशन लिया था नोड एंड एंटी नोड का. ओके व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एंटी नोड. एंटी नोड का कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एंटी नोड. एंटी नोड का कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मतलब अगर ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a लेते हैं, होप याद है प्लस माइनस 2a क्यों, एक एम्पलीट्यूड a का है दूसरा एम्पलीट्यूड a का है, दोनों मिलेगा तो इट विल बी 2a. सो फॉर एंटी नोड दिस शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a. और हमको रिलेशन मिला था कि x इज इक्वल्स टू 0 पे हमको मिलता है एंटी नोड, x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पे मिलता है, लैम्डा पे मिलता है 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. करेक्ट. फिर हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा था एंटी नोड के लिए, दैट इज लैम्डा पी बाई 2, वेर दिस पी विल गिव यू द पोजिशन या एट पी इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3. अगर यहाँ पे 0 डालो तो 0 पे पहला एंटी नोड, यहाँ पे 1 डालो तो 1 पे दूसरा एंटी नोड. कुछ डाउट है? नो मी. डाउट है किसी को? कंटिन्यू मैम. ओके लेट्स गो अहेड. फिर हमने नोड का कंडीशन लिया था. नोड में हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आता है, एट नोड योर एम्पलीट्यूड का वैल्यू इज 0. जब हमने उसको वहां पे 0 डाला हम क्या पता चला कि नोड कहाँ कहाँ पर मिलता है. वेयर वी गेट द नोड एज, हम लोग को नोड मिलता है एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पे, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4 पे, 5 लैम्डा बाई 4 पे हमको नोड मिलता है. करेक्ट. नोड इज एट दैट पॉइंट जहां पर बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. ओके
अब जरा एक और पार्ट मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है बट आपकी बुक में नहीं है, जरा एक बात समझना. एंटीनोड इज दैट पोजिशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम ओके. जहां पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम इसको हम एंटीनोड बोलते हैं. अब डिस्प्लेस इजिली हो पा रहा है, इजिली हो पा रहा है मतलब इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है क्या? एंटीनोड पे प्रेशर ज्यादा है क्या? नहीं, वो आराम से मूव हो पा रहा है. सो इसको ना एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रेशर नोड. दिस इज नोन एज प्रेशर नोड, मतलब प्रेशर इज मिनिमम. याद है हम लोग नोड को क्या बोलते थे? नोड वॉज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो अगर प्रेशर के टर्म्स में जब इसको डिफाइन किया जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, विच इज नोन एज प्रेशर नोड. इसका मतलब यह है कि एट एंटीनोड प्रेशर इज मिनिमम. प्रेशर इज मिनिमम. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंटीनोड का एक और नाम है प्रेशर नोड. इसको प्रेशर नोड भी बोला जाता है. इट मीन्स दैट प्रेशर इज मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, इसलिए एंटीनोड. प्रेशर इज मिनिमम इसलिए इसको प्रेशर नोड भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर नोड. मीन्स यर प्रेशर इज मिनिमम. नोड का मीनिंग क्या है? नोड का मीनिंग है मिनिमम. तो यह प्रेशर इज मिनिमम इसलिए इसको प्रेशर नोड भी बोलते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा एवरीवन? यस. ओके. सो इस एंटीनोड का कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा, आप जब एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको बोलेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ प्रेशर नोड. तो आपको पटाख से क्लिक होना चाहिए. प्रेशर नोड मीन्स मिनिमम प्रेशर. मिनिमम प्रेशर मतलब मिनिमम प्रेशर किसका होता है? एंटीनोड का. तभी तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर पाता है. आप ज्यादा कब घूम पाते हो? आपको घूमने जाना है, अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रेशर बहुत कम हो. पढ़ाई का प्रेशर ना हो, स्कूल का प्रेशर ना हो, तो जहां पर प्रेशर कम होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है. ओके. सो दिस एंटीनोड इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर नोड. दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर नोड. ओके. अब हमने नोड का एक्सप्लेनेशन देखा था. नोड हमको कहाँ कहाँ पर मिलता है? लैम्डा बाई फोर, थ्री लैम्डा बाई फोर, फाइव लैम्डा बाई फोर. इसको प्रेशर एंटीनोड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? नोड पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, मैक्सिमम. करेक्ट. तभी तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर पाता. होप यू आर क्लियर. दिस इज समथिंग न्यू विच आई हैव एक्सप्लेन. मैंने शायद लिखते वक्त, मैं पढ़ाते वक्त ये मिस हो गया था मुझसे. ओके यो. अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझो. ये मैंने ऑलरेडी भेजा है आपको. इस डायग्राम को ध्यान से देखो एवरीवन. दिख रहा है सबको? दिख रहा है? थोड़ा जूम करो मैम. थोड़ा सा. इज इट क्लियर नाउ? ये आपका एंटीनोड है. एंटीनोड हमेशा याद रखना, जहां पे भी फ्रीली मूवेबल एरियाज होते हैं वहां पे एंटीनोड होता है. दिस इज योर फर्स्ट एंटीनोड. दिस इज योर नोड. दिस इज अगेन योर एंटीनोड. दिस इज योर नोड. अगेन एंटीनोड. हमेशा जो एरियाज ब्लॉक्ड होते हैं वहां पे नोड बनता है. ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है. आप एंटीनोड और नोड के बीच में डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है? लैम्डा बाई फोर. नोड और नोड के बीच में रिलेशन डिस्टेंस देखो, लैम्डा बाई टू. एंटीनोड और एंटीनोड के बीच में भी डिस्टेंस कितना आएगा? लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू. लैम्डा बाई टू. हाँ, ब्लॉक्ड एरियाज है मतलब हाई प्रेशर. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट योर नोड एंड एंटीनोड. प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव इतना कुछ नहीं जा रही हूँ. प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता है. पहला फिनोमिना अपोजिट डायरेक्शन से सुपरइम्पोजिशन होना चाहिए ट्रैवलिंग वेव्स का. दूसरा ये है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, जिनको हम नोड्स बोलते हैं. कुछ पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा मूव करते हैं, जिनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं. दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. एक लूप के अंदर हर पार्टिकल का फेस सेम होता है. फेस हमेशा यहाँ से यहाँ पर चेंज होता है. दैट इज स्टेप वाइज चेंज होता है. पाइप ए, टू पाइप ए, थ्री पाइप ए, सो ऑन. इसके अंदर पे हर पोजिशन का जो पार्टिकल है, हर पोजिशन के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट. दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर स्टेशनरी वेव. सो आई एम नॉट गोइंग इन डीप अलॉट. डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव आपको समझ में आ चुका होगा. एक में एनर्जी मूव होती है, एक में एनर्जी मूव नहीं होती. एक में कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता, पर स्टेशनरी में हमेशा नोड वाले पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं. देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर्ड. उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल का फेस चेंज होता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है. यहाँ पे हर पार्टिकल का फेज एक लूप में सेम होता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती. तो दिस आर द सम डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड योर ट्रैवलिंग वेव. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी शुड अंडरस्टैंड नाउ इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. बताओ जरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी?
ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वेव इजिली आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सेट हो जाता है. ओके, आई थिंक सृष्टि बोल रही थी मिस, मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं समझा. नेचुरल मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको पहला रेजोनेंस मिलता है, जिसमें अगर आपने एक ट्यूब में एक वेव डाला, अब उस वेव पे वो वेव जो है वो इजिली इस लेंथ में सेट हो गया. सो दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ. ओके, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच ऑसिलेशन और वाइब्रेशन प्रॉपरली टेक प्लेस. नेक्स्ट वॉज योर हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्स आर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 1n, 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन. दिस ऑल आर हार्मोनिक्स. नेक्स्ट इज ओवरटोन. ओवरटोन वो फ्रीक्वेंसीज होती है जो सच में प्रेजेंट होती है. कभी कभी हमने आगे ऑप्शन देखा, 1n प्रेजेंट है, 3n प्रेजेंट है, 2n प्रेजेंट ही नहीं है. सो 1n इज द फंडामेंटल, सो 3n विल बी माय फर्स्ट ओवरटोन. ओके, क्लियर? 3n इज माय फर्स्ट ओवरटोन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक एंड ओवरटोन. उसके बाद हमने एंड करेक्शन देखा था. एंड करेक्शन में हमने क्या देखा कि आपका ओरिजिनल लेंथ प्लस ई, जहां पर ई इज गिवन बाय 0.3 टाइम्स ऑफ डी. हमारा जो एंटी नोड होता है वो परफेक्टली एंड पे नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है. उस करेक्शन को अगर एक ही साइड, एक साइड ब्लॉक है, एक ही साइड ओपन है, तो ओनली एल प्लस ई होता है, लेंथ इज ओनली एल प्लस ई. बट अगर दोनों साइड ओपन है, विच इज एक्चुअली प्रेजेंट, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के पास नेक्स्ट वाला तो 2n है. बट अगर 2n मेरे इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा फर्स्ट ओवरटोन विल बी 3n. इसको मैं ओवरटोन नहीं बोलूंगी. ओके, एंड करेक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो एंटी नोड होता है वो थोड़ा ऊपर बनता है. सो दैट करेक्शन इज गिवन बाय योर टोटल लेंथ इज गिवन बाय एल प्लस एंड करेक्शन. एंड करेक्शन इज गिवन बाय 0.3 इंटू डी. ओके, अगर दोनों साइड से पाइप ओपन है तो इट विल बी एल प्लस 2e, क्योंकि दोनों साइड करेक्शन करना पड़ेगा. क्लियर विद द पार्ट? होप यू क्लियर अबाउट द एंड करेक्शन क्यों करना है. नाउ हमने उसके बाद पाइप क्लोज एट वन एंड देखा था, पाइप ओपन एट वन एंड, बोथ द एंड्स देखा था. 2n रहता है तो वही फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा. ऐसा एग्जाम्पल जो हमने देखा है, स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रिंग में 1n भी प्रेजेंट है, 2n भी प्रेजेंट है, 3n भी प्रेजेंट है. तो अगर 2n भी प्रेजेंट है तो दैट इज योर फर्स्ट ओवरटोन, ऑफ कोर्स. ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं. उसके बाद हमने पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज एट वन एंड, उसमें कोई किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. कुछ डाउट जैसा है तो प्लीज देखो, जरा पूछो. मैम वो ओपन एंड के पहले अभी जो आपने एक्सप्लेन किया एक बार दिखाओ ना प्लीज. क्या दिखाऊं अभी? ये अपना ओवरटोन के बाद जो भी एक्सप्लेन हुआ है. मेरे को सुनाई नहीं दिया ओम, तू क्या बोला? व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, प्लीज आस्क इट. मेरे को नहीं क्लियर हो रहा है बिकॉज़ बारिश हो रही है, आवाज इज नॉट. हां मैम, ओवरटोन के बाद का क्या बात का, क्या क्या बताओ वो बता. ओवरटोन के बाद का क्या एंड वाला क्या मैम इसके नीचे? हां एंड करेक्शन, वही मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूं एंड करेक्शन. ओम तो पीछे रह जाता है फिर पूछता है. ओ मैम वो ओवरटोन कैसा थोड़ा लग रहा है, एंड ब्लर दिख रहा था, अभी क्लियर दिख रहा है. आवाज आपका थोड़ा ब्रेक. मेरी सिस्टर को तो एकदम क्लियर दिख रहा है. नहीं नहीं अभी एकदम क्लियर दिख रहा है, आवाज भी पूरा बेस्ट है, मतलब अभी कुछ हो नहीं रहा है इसलिए मैं बोला. ठीक है चलेगा. एंड करेक्शन क्या होता है, जो ये आपके एंटी नोड्स होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर बनते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू वाइब्रेट. तो आपका जो लेंथ का ओरिजिनल वेव का जो लेंथ होता है, दैट इज योर लेंथ ऑफ द पाइप प्लस एंड करेक्शन. तो अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है तो एंड करेक्शन एक ही साइड करना पड़ेगा, एक ही टाइम ही एड करना पड़ेगा. ई इज गिवन बाय 0.3 टाइम्स ऑफ डी, वेयर डी इज द इनर डायमीटर. अगर पाइप दोनों साइड ओपन है तो आपको दोनों साइड का एंड करेक्शन करना पड़ेगा, दैट इज 0.3d प्लस 0.3d, मतलब आपको 2 टाइम्स ऑफ ई एड करना पड़ेगा आपके लेंथ में. सो दैट इज व्हाट यू गेट द ओरिजिनल लेंथ. बॉटम से ओम एक मिनट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, आई कैन नॉट रीड योर चैट. मैम बॉटम से ही लेंगे ना एकदम? अरे ओम जब एक साइड से बंद है तो ये साइड एंड करेक्शन करने की जरूरत है क्या? एंड करेक्शन एक ही साइड होगा ना, दोनों साइड ओपन रहेगा तो तू दोनों साइड का एंड करेक्शन कंसीडर करेगा ना. हाँ हाँ बराबर.
दिस इज अ रिवीजन और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो तुमने फर्स्ट टाइम सुना है कुछ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एंड वन एंड में कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क आई एम लिविंग इट टू यू किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एंड वन एंड पे फिनोमिना सिर्फ इतना है कि आपको इतना साइज रखना है वेव का कि आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है तो पहला कंडीशन क्या बोलता है यहाँ पर एंटी नोड आना चाहिए यहाँ पे नोड आना चाहिए तो सबसे बड़ा वेव जो सबसे बड़ा वेव लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो दैट इज लैम्डा बाई फोर वेर यू विल गेट द कंडीशन ऑफ एंटी नोड एंड नोड एंटी नोड एट ओपन एंड एंड नोड एट क्लोज एंड ओके अगर आप इससे बड़ा वेव ये जो भी साइज आप लेने वाले हो अगर उससे साइज से आपने बड़ा साइज लिया तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होके नहीं मिलेगी सो दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेवलेंथ क्या स्पेसिफिक लेंगे एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट वेवलेंथ वेयर यू विल गेट द रेजोनेंस tan इज इक्वल टू v बाय 4l फॉर पाइप क्लोज दैट वन एंड बिकॉज़ योर l इज डिवाइडेड इनटू l इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4l v इज इक्वल टू n लैम्डा लैम्डा की जगह पे 4l सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी for pipe closed at one end is v by 4l wahi pe for pipe open at one end agar aapko yaad ho I am directly showing that pipe open at one end so what you get l is equals to lambda by 2 this part so here you get v by 2l for pipe closed at one end it was v by 4l fundamental frequency and for pipe open at both ends it is v by 2l okay And in this way, you go on reducing the wavelength and increasing the frequencies where you will get the second resonance. In pipe open at both ends, all the harmonics are present. मैं कोई condition वापस नहीं बता रही हूँ. तू read कर अगर नहीं समझा तो पूछना. This is 3N. मतलब you are going to continuously you are going to reduce the wavelength so that you can get the resonance. यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि एंटी नोड एंड नोड का कंडीशन इन एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स ऑल द कंडीशंस यू गेट फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है सेकंड हार्मोनिक मिलता है थर्ड हार्मोनिक मिलता है फोर्थ हार्मोनिक मिलता है सारा हार्मोनिक मिलता है इसीलिए आपका सेकंड हार्मोनिक योर सेकंड हार्मोनिक बिकम्स योर फर्स्ट ओवरटोन ओनली 2N भी इसमें प्रेजेंट होता है ओके 2N इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर सो योर सेकंड हार्मोनिक बिकम्स योर फर्स्ट ओवरटोन बट फॉर द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड आपको फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक पे नहीं मिलता आपको सीधा थर्ड हार्मोनिक पे मिलता है 2N प्रेजेंट ही नहीं होता पाइप क्लोज एट वन एंड पे होप आपको याद आ रहा है मैंने क्या समझाया था क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स पीछे ओम तू पढ़ के नहीं आया इसलिए तू क्यों पूछ रहा है पढ़ के आना चाहिए था रिविजन के लिए दिस इज रिविजन मैं वापस पूरा नहीं समझा सकती फिर उसके बाद कंक्लूशन ये मिला था कि आपका जो पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है It is uska fundamental frequency is 2 times of pipe closed at one end. This I have given you the proof. Closed at one end is V by 4L. Open at both ends is V by 2L. Relation nikalega. Nikaloge. So pipe open at both ends is having fundamental frequency twice of closed at one end. Okay. This was all about pipe. Now, humne practical way se humne end correction nikala tha. Do pipes liye the of same diameter. बट लेंथ अलग अलग लिया था और v इज इक्वल टू 2nl इससे हमने इक्वेट किया था ओपन एट बोथ द एंड्स है तो 2 टाइम्स ऑफ e आएगा ओरिजिनल लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ e आप ये रिलेशन निकालोगे तो आपको ये e मिलता है सेम यू कैन गो फॉर क्लोज एट वन एंड ओके नाउ आफ्टर दैट आई टॉट यू अबाउट स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग में भी ये देखा था कि स्ट्रिंग अगर दोनों साइड से पैक्ड है अगर हमने स्ट्रिंग को दोनों साइड से ये किया और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाला यहाँ पे योर वी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टी बाय एम वेयर टी इज द टेंशन एंड एम इज द लीनियर मास डेंसिटी हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग के कंडीशन में भी आपको सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स एंड स्ट्रिंग के कंडीशन में आपको सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट मिलते हैं इसीलिए सारे हार्मोनिक्स आपका सेकेंड हार्मोनिक आपका फर्स्ट ओवरटोन बन जाता है सिर्फ पाइप क्लोज एट वन एंड में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ओके So this was all about the condition N1 is equals to 2 times of N, N2 is equals to 3 times of N. So all the harmonics are present in the spring. Next, we have laws of vibrating spring. We have seen that if we keep T and M constant, first law is law of length.
टी और एम को कांस्टेंट, दैट इज टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लॉ ऑफ टेंशन में हमने देखा अगर हम एल और एम को कांस्टेंट रखता तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी में हमने देखा था कि टी और एल कांस्टेंट रखेंगे तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम. पूछो पूछो तो दिस वाज द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ. नेक्स्ट इज फिर हमने बीट्स देखा. आई डोंट थिंक सो बीट्स का रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, बीट्स कल ही खत्म हुआ है. सो आई एम नॉट रिवाइजिंग बीट्स. कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल वाइंड अप अवर लेक्चर. नो मिस बोलो. से आई एम लिसनिंग.